वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सखी सुल्तान और आप देख रहे हैं एसएस क्रिकेट शो। जिया दोस्तों, एक बड़ा मीटिंग हुआ है 27 सितंबर को पीएसएल टैंक के ऊपर। जिया दोस्तों, जो मीटिंग का मकसद था वो असल में था कि पीएसएल का ड्राफ्ट कब होना है और डायरेक्ट साइनिंग्स के ऊपर। जिया दोस्तों, तमाम तफसीलात आपको दूंगा, बहुत बड़े न्यूज़ है। ड्राफ्ट कब होना है पीएसएल टैंक का ये भी कन्फर्म हो गया है और डायरेक्ट साइनिंग्स का क्या चीज़ होगा, किस तरह होंगे वो भी कन्फर्म हो गया है। जिया दोस्तों, पीसीबी के जो अहदेदारान हैं उनके दरमियान पीएसएल के फ्रेंचाइज ओनर्स का जो है ना मीटिंग था 27 सितंबर को। मीटिंग का असल मकसद यही था कि डेट ड्राफ्ट का जो है ना कंफर्म करना है और डायरेक्ट साइनिंग के हवाले से सब कुछ क्लियर करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े न्यूज़ है, दोनों चीज़ें क्लियर हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह होंगे डायरेक्ट साइनिंग्स, क्या चीज़ें रखी गई है, डायरेक्ट साइनिंग्स होंगे नहीं होंगे और पीएसएल टैंक का ड्राफ्ट कब होगा, तो तमाम तफसीलात आपको दूंगा इस वीडियो में। चैनल पे नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि क्रिकेट के लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों, 27 सितंबर को एक मीटिंग होता है जूम पे, वीडियो कॉल पे, फ्रेंचाइज ओनर्स का और पीसीबी के अहदेदारों का, जो खासकर पीएसएल को जो है ना संभालते हैं, इस पीएसएल के जो है ना चीजों को, उनका एक मीटिंग हुआ है जहाँ पे तय पा गया है डायरेक्ट साइनिंग्स के हवाले से जो भी करना है वो भी क्लियर हो गया है और ड्राफ्ट कब होना है पीएसएल टैंक का वो भी क्लियर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो पीएसएल टैंक का ड्राफ्ट है वो आईपीएल ऑक्शन के बाद होगा। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन होना है नवंबर में। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल से न्यूज यही निकल के आ रहा है कि जो ऑक्शन है वो नवंबर में होगा और जो मीटिंग था पीसीबी का फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ उसमें ये तय पा गया है कि आईपीएल ऑक्शन के बाद पीएसएल टैंक का ड्राफ्ट होगा। तो नवंबर में अगर स्टार्ट में होता है आईपीएल ऑक्शन तो लास्ट में पीएसएल टैंक का जो है ना ड्राफ्ट हो जाएगा। अगर डायरेक्ट साइनिंग्स की बात करें तो पीसीबी ने ये प्लान रखा है, जो एक क्योंकि एक फ्रेंचाइज को जो है ना तहफुजात थी डायरेक्ट साइनिंग्स के हवाले से, पहले भी मैंने आपको जो है ना अपने वीडियोज में बताया है, वो फ्रेंचाइज था पेशावर जलमी, वो नहीं चाह रहे थे कि डायरेक्ट साइनिंग्स हो। जी हाँ दोस्तों, पेशावर जलमी बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि डायरेक्ट साइनिंग्स हो, तो पीसीबी ने भी थोड़ा जो है ना एक नया जो है ना रास्ता अपनाया है। जी दोस्तों, पीसीबी ने ये अब रखा है कि जो आईपीएल में अनसोल्ड होंगे प्लेयर्स उनको ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा और ड्राफ्ट में पैसे ज़्यादा दिए जाएंगे। शायद एक कैटेगरी भी होगा मार्की प्लेयर्स, तो वहाँ पे बड़े प्लेयर्स को रखा जाएगा ड्राफ्ट में और सब अपने बारी पे जो है ना जो भी वो प्लेयर पिक कर सके तो वो कर सकते हैं। तो मेन जो मकसद है ऑक्शन के बाद जो है ना ड्राफ्ट का डेट भी इस वजह से पीछे रखा गया है कि जो आईपीएल में प्लेयर्स अनसोल्ड होंगे, मतलब वो आईपीएल नहीं खेलेंगे, वो प्लेयर्स पीएसएल में शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब तो ये जो है ना डायरेक्ट साइनिंग से फिर भी छोटा सा उम्मीद था, तो अब से इस बात से थोड़ा उम्मीद भी कम हो गया। ऐसा लगता है जो पीएसएल 9 में प्लेयर्स थे उसी तरह के होंगे। हाँ, शायद जो है ना एक नया कैटेगरी रखा जाएगा जहाँ पे पैसे भी डबल किए जाएंगे, तो शायद जो बड़े प्लेयर्स वहाँ पे अनसोल्ड हो, जिस तरह पिछले साल जोश हेजलवुड था, स्टीव स्मिथ था, जो रूट था, टिम साउथी था, तो फिन एलन, इस तरह के प्लेयर्स जो है ना आके खेलेंगे, तो वही है कि सी कैटेगरी के प्लेयर्स होंगे और बी कैटेगरी के नहीं होंगे, फिर भी बड़े प्लेयर्स हमें देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जो अनसोल्ड होंगे डायरेक्ट पीसीबी उनके साथ कॉन्टेक्ट करेगा। आईपीएल ऑक्शन के बाद डायरेक्ट पीसीबी उनके साथ कॉन्टेक्ट करेगा और उनको ज़्यादा पैसे देगा और उनको कहेगा कि आप अपना नाम ड्राफ्ट में शामिल करें और एक नया कैटेगरी बनाएगा। अगर बड़े प्लेयर्स होते हैं तो जो है ना बारी बारी सब टीमें जिस तरह पहले ड्राफ्ट होता है उसी तरह जो है ना अपने प्लेयर्स पिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये थे पीएसएल टैंक के ऊपर लेटेस्ट अपडेट्स, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। पीएसएल का जो ड्राफ्ट होना है वो आईपीएल ऑक्शन के बाद होना है। आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन होने वाला है, जिसका न्यूज़ निकल के ये आ रहा है कि वो नवंबर में होगा, तो नवंबर के स्टार्ट में होता है तो लास्ट में पीएसएल का ड्राफ्ट होगा। अगर नवंबर का जो है ना लास्ट में होता है तो आने वाले उसके महीने के स्टार्ट में पीएसएल का ड्राफ्ट होगा। तो इसी तरह जो है ना 10-15 दिन के बाद पीएसएल टैंक का ड्राफ्ट हो जाएगा, जब आईपीएल का ऑक्शन होगा 10-15 दिन के बाद पीएसएल का ड्राफ्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट साइनिंग्स नहीं होने वाले, जो प्लेयर्स अनसोल्ड होंगे आईपीएल के ऑक्शन में उनके साथ रब्ता किया जाएगा और उनको आईपीएसएल के ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा और थोड़े से ज़्यादा पैसे उनको दिया जाएगा। ये प्लान बनाया है पीसीबी की तरफ से और फ्रेंचाइज ओनर्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स तो डायरेक्ट साइनिंग के हवाले से तैयार थे मगर पेशावर जलमी को तहफुजात थे। तो ये थे जी हमारा आज का वीडियो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी।